सिद्धी जिले के रामपुर नेकिन थाना अंतर्गत खड्डी चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम चंद्रेहे गुजरेट से प्रतिबंधित सोन घड़ियाल क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां सूबे के मुखिया माफियाओं को प्रदेश से भगाने की बात करते हैं, वहीं जिले के पुलिस कप्तान भी अवैध खनन पर सख्त नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी सोन घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, बीती रात को सोन घड़ियाल टीम को गश्त के दौरान गुजरेट में सोन नदी में ट्रैक्टर लगे होने की सूचना मिली, जहां पहुंचने पर रेत से लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया और 3 से 4 की संख्या में अन्य लोग भाग गए। सोन घड़ियाल टीम द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर को खड्डी चौकी पहुंचाया गया, जहां पुलिस द्वारा जब्ती कर दिया गया। अवैध रेत उत्खनन के मामले को कवरेज करने गए संवाददाता से बदसलूकी की गई, हाथ पकड़ कर खींच कर जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया। संवाददाता प्रियांजीव पटेल और प्रियांजीव पांडे और विजय द्विवेदी से पुलिस के सामने फॉरेस्ट गार्ड ने बदसलूकी और मोबाइल छीनकर कवर जो वीडियो क्लिप बनाया गया था उसे डिलीट करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी हुई और पूरे मामले को देखती रही। क्या नहीं है परमिशन? नहीं नहीं, बंद क्यों करें सर? नहीं बंद क्यों करें? अपनी गाड़ी नहीं बंद क्यों करें? ये क्या है? ये क्या है? वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। तो हम लोग कहाँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं ये बताइए, कहाँ पे मनमानी किए हैं आप ये बता दीजिए। हम लोग स्टोरी कवर करने गए थे, आपसे थोड़ी ना कुछ किया हूँ। शिकारगंज के वन चौकी में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई चक्करों का जमावड़ा है, और ये जानना चाहेंगे कि ये चक्करों का जमावड़ा किसने आज यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्टर जो मौजूद हैं। मैं कुछ ड्राइवरों से जानना चाहूँगा कि किस उद्देश्य के साथ और ये आज यहाँ पर चक्करों का जमावड़ा किया गया है। आप लोग किस लिए आए हैं? ट्रैक्टर लेके आप लोग आए हैं? क्या नहीं है पर? और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, एक और तो धड़ल्ले से यहाँ पर रेत खनन का काम किया जा रहा है, अवैध रेत उत्खनन यहाँ पर हो रहा है, जो जिम्मेदार है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, और दूसरी ओर जब आप लोग वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे तो आप लोगों के साथ भी बदसलूकी की जाती है। ये बताना चाहूंगा कि ये 1 जुलाई की लगभग 1:15 रात की घटना है जी, जब सोन घड़ियाल के अधिकारियों को ये पता चला कि कई ट्रैक्टर सोन में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने के लिए उसके अंदर घुसे हुए हैं, जिसमें उनकी टीम गई और उनके द्वारा डायल 100 को भी सूचना दिया गया, लेकिन पुलिस का कोई कोऑपरेशन नहीं रहा उनके साथ। और उनके रेंजरों द्वारा बताया गया कि हम लोगों के साथ पथराव भी हुआ है, संबंधित जो उत्खनन कर रहे थे रसूखदार। और इस खबर को लेके जब हम लोग जानकारी हुई तो 2 तारीख को सुबह हम लोग घटना स्थल पे पहुंचे, और जो विभागीय है जो जांच उसी दिन आनन फानन करके और उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसको पेश किया गया, और हम लोगों को बयान देने से पूरा बचते रहे, जबरदस्ती कैमरा छीना गया और अनैतिक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा, ऐसा करके सोन घड़ियाल के जो अधिकारी थे वो पूरा दबाव बना रहे थे। जी विजय, आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, आप लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वजह बताई कि आप लोग कवरेज करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, हमने कहा कि हम तो खबर चलाने के लिए हैं, अपनी न्यूज हमें बाइट चाहिए सर, इसके बारे में क्या कार्यवाही होगी, जो अवैध तरीके से उत्खनन एवं परिवहन करते हुए ट्रैक्टर जो पकड़े गए हैं, और आज जानकारी ये भी है कि वो छोड़ भी दिए गए हैं गोलमोल करके पूरी मामले को। अच्छा विजय, ये भी बताए, जिस तरीके से आप लोगों को धमकाया गया, बदसलूकी आप लोगों के साथ की, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने जो बदतमीजी कर रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, किसका पक्ष लिया? मैं बताना चाहूंगा कि उनके साथ पूरा अमला, पुलिस थाना प्रभारी से लेके और 2 चौकी प्रभारी भी उनके साथ पूरा अमला था, घटना को उन्होंने पूरा देखा था। जब सोन घड़ियाल के जो एक तरुण सिंह करके मुंशी हैं, उनके द्वारा जबरन हमारे संवाददाता से कैमरा छीना गया और बोला गया कि अभी तुम हमें नहीं जानता है तू कि मैं कौन हूँ, ऐसा करके वहाँ पे एसडीओ फॉरेस्ट भी मौजूद थे,
उन्होंने ही ये सब जबरन करवाया है, उनके द्वारा बोल के करवाया गया है। जी 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 नहीं, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौन दर्शक था। चलिए विजय, ये भी बताया, अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, लंबे समय से यहाँ पर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, जो जिम्मेदार है वो भी आग मूंद कर बैठे हुए हैं, और जब कवरेज के लिए पत्रकार वहां पर जाते, अपना काम करने जाते, उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। अब पूरे मामले में आप, क्योंकि आप खुद वहां पर मौके पर मौजूद थे, और आप लोगों ने भी उन जो चोरी के बाद सीना चोरी कर रहे हैं उन लोगों से भी आप लोगों ने बात की, और पुलिस भी वहां पर मौजूद थे, अब पूरे मामले में क्या कहना है? क्या जिस खबर को कवरेज करने के लिए आप लोग वहां गए थे उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर आप लोगों के साथ जो बदतमीजी है उसे लेकर आप लोगों ने कोई एक्शन लेने की बात कही है? इस संबंध में हम लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने की तैयारी बना रखी है, और इस संबंध में माननीय राज्यसभा सांसद जो अजय प्रताप सिंह जी हैं उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। इनके द्वारा बताया गया कि जो संबंधित ऐसी मतलब बदसलूकी किए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया तमाम जानकारी। तो एक्शन लेने की बात कही जा रही है, पत्रकारों का भी यही कहना है कि हमें खबर करने से रोका गया, और इसी पूरे मामले को लेकर अब हम एक्शन लेंगे।